आम आदमी पार्टी के लेबर मिनिस्टर गोपाल राय ने आज प्रेस वार्ता कर मजदूर और ठेकेदारों को लेकर खास चर्चा करी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सरकार में कहा कि प्राइवेट संस्थाओं में बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारियों की भर्ती होती है, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों का लगातार आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। साथ ही जो दिल्ली सरकार ने तीन टीमें बनाई थी जिन्होंने दिल्ली के अंदर अलग अलग विभागों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की स्थिति को भी परखा। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों मजदूरों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले दो बड़े फैसले किए। पहला, दिल्ली के अंदर देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन निर्धारित किया, 9,500 से बढ़ा करके लगभग 14,000 रुपए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया, जिससे जिसका सबसे बड़ा फायदा कॉन्ट्रैक्ट पर न्यूनतम वेतन के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को मिला है। और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड का गठन हुआ था, जिसमें माननीय दो विधायक सदस्य हैं, श्री अजय दत्त और नरेश यादव जी, इसके साथ साथ कर्मचारियों के और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं। ये कुल 13 सदस्यीय बोर्ड है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के काम करता है। हमने अब तक 5 मीटिंगें उसकी हो चुकी हैं बोर्ड की, कल उसकी 5वीं बैठक हुई थी। इसके पहले हमने 3 टीमें बनाई थी, 3 ग्रुप बनाए थे, स्टडी ग्रुप, जिन्होंने दिल्ली के अंदर अलग अलग विभागों में काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनकी स्थिति का, उनकी तकलीफों का सारा अध्ययन किया। 3 बिंदुओं पर ये बोर्ड काम कर रहा है। पहला, कि जो आज की तारीख में आउटसोर्सिंग ठेकेदारों के माध्यम से जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उनकी स्थिति कैसे सुधारी जाए। दूसरा, कि समान काम का समान वेतन का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और तीसरा, कि जो ठेके पर काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं उनको पक्का पैसे किया जाए। इतने कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं, उस ठेकेदार के माध्यम से जो आउटसोर्सिंग है उसे खत्म किया जाए और सभी डिपार्टमेंट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर उनकी नियुक्ति करें। तो डायरेक्ट भर्ती से जो पहला, तो मजदूरों के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, पीएफ जो उनका कटता है प्रॉपर उनको पीएफ की सुविधा मिल पाएगी। दूसरा, इस आउटसोर्सिंग के सिस्टम से ये पता चला डिपार्टमेंट को भी घाटा हो रहा है आर्थिक रूप से। जैसे अभी हॉस्पिटलों में जो नर्स हैं वो आउटसोर्सिंग से भर्ती की गई, मिनिमम वेज सरकार दे रही है उनको, ठेकेदार नहीं दे रहा है, लेकिन 10% जो एजेंसी है उसको कमीशन जाता है और 10% जीएसटी देना पड़ता है। तो मिनिमम वेज के अलावा 20% सरकार एक्स्ट्रा दे रही है। अगर आउटसोर्सिंग खत्म करके डायरेक्ट सरकार भर्ती कर लेती है संविदा पे, तो ये 20% जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो सीधे बच जाता है। और दूसरा, मजदूरों को भी उनकी पूरी मिनिमम वेज की तनख्वाह मिलती है, पीएफ जो उनका कम करके वो दे रहे हैं उसकी गारंटी होती है। जैसे कि गोपाल राय का कहना है, जो आजकल हॉस्पिटल में भर्ती हो रही है आउटसोर्सिंग द्वारा, उससे दिल्ली सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। सहयोगी अनमोल कुमार के साथ साहिल भामरी, समाचार वार्ता, दिल्ली।